तो कैसे, मेरा नाम है फ्रैंकलिन और मैं बनना चाहता हूँ एक खतरनाक सा स्पीकर मैन। ये वाला स्पीकर मैन कितना ज्यादा बड़ा और खतरनाक है, पर ये बनना इतना ज्यादा इजी नहीं है। हमें करना पड़ेगा ये खतरनाक सा टाइटन वाला चैलेंज। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे खतरनाक खतरनाक टाइटन है और इन लोगों ने मिलकर बनाया ये खतरनाक सा चैलेंज। जो भी जितना ज्यादा पंच करेगा उतना ज्यादा वो अपग्रेड होएगा। तो अभी जो ये हल्क अंकल है वो हमें बताने वाले कैसे इस चैलेंज में हम जीत सकते हैं। तो बच्चों, तुम सबका स्वागत है आज के खतरनाक चैलेंज में। इस चैलेंज में तुमको बढ़वाना है अपना पंच मीटर। जो जितना ज्यादा पंच करेगा वो उतना ज्यादा अपग्रेड होगा। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियां हैं। पहली गाड़ी को पंच करोगे मीटर बढ़ेगा, दूसरी गाड़ी को पंच करोगे मीटर बढ़ेगा। जितने ज्यादा बड़े व्हीकल को पंच मारोगे और उसको अपनी जगह से हिलाओगे उतनी जल्दी तुम अपग्रेड होगे। और अगर सबसे मैक्स लेवल पर जाना है तो इस प्लेन को पंच मार के हिलाना पड़ेगा। ये रहे हमारे सारे के सारे कंटेस्टेंट, शिवा, छोटा भीम, कीको, लिटिल सिंगम, बेबी आयरन मैन और फ्रैंकलिन। तो क्या तुम खतरनाक सा स्पीकर मैन बनने के लिए तैयार हो? हाँ तैयार है, तैयार है, तैयार है। तो फिर सबसे पहले कीको। ओके ओके अंकल, सबसे पहले मैं जाऊंगा, इतना अच्छा पंच मारूंगा कि स्कूटर को पूरा हिला दूंगा। चलो कीको, तुम्हारी बारी, मारो इसको पंच। ओके अंकल, ये ले। अरे वाह, मैंने तो इसको गिरा दिया। बहुत बढ़िया कीको, जितना ज्यादा गिराओगे उतनी जल्दी मीटर बढ़ेगा। ओके ओके अंकल, फटाफट से गिराते, इसको भी गिरा दिया मैंने तो। चलो चलो चलो, इसको भी गिरा दूंगा। ये ले ये ले, अरे ये तो गिरी ना, अरे गिर जा। कीको, तुम इस बाइक को नहीं ला पाए। अगर तुम्हें अपग्रेड होना है तो कम से कम 5 बाइक लानी पड़ेगी। तुम हो तो डिस्क्वालीफाई, हट जाओ। मैं क्या करूंगा, मैं तो डिस्क्वालीफाई हो गया। फ्रैंकलिन, अब तुम्हारी बारी। अच्छा ठीक है ठीक है, कीको तो डिस्क्वालीफाई हो गया सिर्फ 2 गिरा के। मुझे इन स्कूटी और बाइक्स को मार मार के आगे तक जाना है ताकि मैं अच्छी तरह अपग्रेड हो सकूं और वो खतरनाक सा स्पीकर मैन बन सकूं। चलो फटाफट से मारते हैं इस स्कूटी को। मैं इतना ज्यादा तेज पंच मारने वाला हूं, देखना ये उड़ते हुए जाएगी। और उस कार को मारूंगा, उस बोट को मारूंगा, उस प्लेन को मारूंगा। चलो गाइस, अगर आप मेरे साथ फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और इसको मारते हैं। ये ले, अरे ये ले, ये ले, अरे हिल जा, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो हिल भी नहीं, अरे हिल जा। फ्रैंकलिन भी होता है डिस्क्वालीफाई। अरे नहीं, एक और मौका चाहिए मुझे। नहीं फ्रैंकलिन, सबको एक ही मौका मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे एक मौका चाहिए, ये तो हिल नहीं रहा। अरे ये कैसे हो सकता है, मैं तो कीको से भी कमजोर हूँ। छोटा भीम, तुम्हारी बारी। मैं अपने साथ टंटन मौसी के लड्डू लाया हूँ, एक बार लड्डू खा लूँ फिर तो मैं सबको मार दूंगा। रुको, हम निम 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 निम, इन सारी गाड़ियों को मैं नहीं छोड़ूंगा। हट जा सामने से, ये सबको मार दूंगा। प्लेन, तू नहीं बचेगा। ये ले प्लेन। अरे ये क्या, ये प्लेन तो हिला ही नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये ले ये ले ये ले, ये तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा। ये प्लेन तो बहुत ही खतरनाक है। पर ये क्या, मेरा तो पंच मीटर फुल हो गया। अरे मैं तो अपग्रेड होने वाला हूँ। अरे वाह, मेरा पंच मीटर तो ज्यादा फुल भी नहीं हुआ था, फिर भी मैं तो बहुत ही खतरनाक छोटा भीम बन गया। अरे मेरी मसल तो देखो कितनी ज्यादा अच्छी है। अरे कैसर, आप देख सकते हो हमारा छोटा भीम कितना ज्यादा खतरनाक बन चुका है। मुझे भी इसके जितना खतरनाक बनना था। इसकी मसल्स देखो, इसकी बॉडी देखो, और इसके पास तो खतरनाक खतरनाक पावर्स भी आ चुकी है। अब शिवा बच्चे की बारी। बच्चा ना कहना अंकल, शिवा, शिवा नाम है मेरा। और ये शिवा और ये बच्चा ऐसी गाड़ियां तोड़ेगा, ऐसे गाड़ियों को पंच मारेगा अपने मीटर को फुल करके। मैं बन जाऊंगा एक खतरनाक सा शिवा स्पीकर मैन। इसको तो मैंने उड़ा दिया। चलो दूसरा भी अपने आप ही उड़ गया। तीसरे को मारते हैं। ये ले, तीसरा भी हमने उड़ा दिया। अब हम चौथे को मारेंगे। सारी गाड़ियों को मार दूंगा। ये ले ये ले ये ले, सारी गाड़ियां हिला दूंगा। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, मुझे अपनी पंचिंग पावर को जल्दी से बढ़ाना पड़ेगा। हट जाओ सामने से, सारी गाड़ियां हट जाओ। ये ले, इस गाड़ी को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हट जा सामने से, हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा। मैंने तो इस बोट को भी ला दिया। और ये क्या, मेरा मीटर तो फुल स्पीड में अब जा रहा है, पर मैं इस प्लेन को हिला के रहूंगा। इस प्लेन को मैं खत्म कर दूंगा। ये ले, ये क्या, इस प्लेन को तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सोचा था इसको उड़ा के मैं सबसे खतरनाक स्पीकर मैन बन जाऊंगा, पर मेरा मीटर फुल हो चुका है और मैं अपग्रेड होने वाला हूँ। इन टाइटंस की पावर्स तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं तो बन गया एक 3 मुंडी वाला हल्क शिवा। कितनी ज्यादा खतरनाक पावर्स मिल चुकी है। ये देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। थैंक यू टाइटन, ये लो चुम्मी। मजा आ गया, मैं तो एक खतरनाक सा शिवा बन गया। अरे अंकल अंकल, मेरी बात सुनो, मुझे प्लीज एक और चांस दे दो, मुझे भी अपग्रेड होना है। ए फ्रैंकलिन, चुपचाप साइड में खड़ो
जाऊं। अरे प्लीज प्लीज फ्रैंकलिन निकलो यहां से। अरे ठीक है जा रहा हूं यार, मुझे एक और चांस चाहिए। आयरन मैन अब तुम्हारी बारी। ओके ओके अब मेरी बारी आ चुकी है, अब मैं अपग्रेड होऊंगा सबसे खतरनाक स्पीकर मैन में। अच्छा ये ले स्कूटर। अरे अच्छा हट गया, मैंने सोचा था ये हिलेगा नहीं, पर अब मैं सबको बहुत तेज मारने वाला हूँ। सबसे पहले इस वाले स्कूटर को, इसको भी हट जाओ। अरे हट जा, अरे ये वाली गाड़ी तो हिली नहीं मुझसे। हट जा, ये ले सबको हिला दूंगा। हट जाओ। इस आखिरी गाड़ी को बस मुझे हिलाना है, फिर मैं सबको मार दूंगा। ये ले, हिल जा। अरे ये गाड़ी तो मुझसे हिल नहीं रही, ये तो पूरी टूट गई पर ये हिल नहीं रही। हिल जा। मैं इस गाड़ी को नहीं हिला पाया, पर मेरा 5 मीटर ऊपर जा रहा है और मैं तो अपग्रेड होने वाला हूँ। अरे वाह, ये क्या, मैं तो एक खतरनाक सा स्पीकर मैन बन गया, ये तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। ये हट जाओ, मेरी शक्ति कितनी तेज हो चुकी है, मैं कितना ज्यादा तेज भाग पा रहा हूँ। हट जाओ। रिडल सिंघम अब आखिरी बारी तुम्हारी। अंकल प्लीज एक चांस दे दो। फ्रैंकलिन चुपचाप बैठ जाओ। अरे फ्रैंकलिन भैया आप चुपचाप बैठ जाओ और देखो मैं क्या करता हूँ। पुलिस की वार्ता शेर कदम जीतेगा। रिडल सिंघम मैं बनूंगा सबसे खतरनाक स्पीकर मैन, उस प्लेन को हिला के। चलो सबसे पहले इस स्कूटर को गिराएंगे। ये ले ये सब स्कूटर तो मेरे सामने बहुत ही कमजोर है। हट जाओ। ये लो। अरे कैसर रिलेटिव सिंगम के पास तो बहुत ही खतरनाक पावर्स है, मुझे समझ नहीं आ रहा इसके पास पहले से इतनी खतरनाक पावर्स है तो इसको और पावर्स क्यों चाहिए। हट जाओ सबके सब सामने से हट जाओ। ये लो। मैं इस प्लेन को भी नहीं छोड़ूंगा, इस प्लेन को कोई नहीं हिला पाया पर मैं इसको हिला के रहूंगा। ये ले। हिल जा। ये तो हिल ही नहीं रहा, पर मेरा 5 मीटर बहुत ही ज्यादा मर चुका है, लगता है मैं अपग्रेड होने वाला हूँ। पुलिस की वर्दी शेर कदम सबसे खतरनाक बन गया। रिडल सिंघम वाह, मैं तो सबसे खतरनाक बन गया। थैंक यू टाइटन भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सबसे खतरनाक पुलिस वाला बनूंगा। पुलिस की वर्दी शेर कदम, नाम है मेरा रिडल सिंघम। काले हल्क भैया मेरी बात सुनो, सभी का 5 मीटर फुल हो चुका है, वो कुछ ना कुछ खतरनाक बन चुके हैं, मुझे भी खतरनाक से स्पीकर मैन बनना है। प्लीज मुझे एक और ट्राई दे दो। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ, तुम्हारी शक्तियाँ भी बहुत ही कम है, तुम इस चैलेंज में ढंग से पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। पहले जाओ अपनी शक्तियाँ बढ़ाओ, तुम अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। अगर मैं अपनी शक्तियाँ बढ़ाऊंगा तो आप मुझे एक और मौका दोगे? हाँ फ्रैंकलिन मैं तुम्हें मौका जरूर दूंगा, पर शक्तियाँ बढ़ाने में तुम्हें बहुत साल लगेंगे। बहुत साल? अरे मैं कैसे बढ़ाऊं शक्तियाँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास सूट भी नहीं है, मेरे पास पावर्स भी नहीं है। मेरे बच्चे फ्रैंकलिन हमारी बात सुनो, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ही देर से बोले जा रहे हो कि तुम्हें स्पीकर मैन बनना है। अगर तुम सच में स्पीकर मैन बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं थोड़ी शक्तियाँ तुम्हें दे सकता हूँ जिससे तुम स्पीकर मैन बनने के करीब जा सकते हो। अरे टाइटन गॉड प्लीज मेरी मदद करो, मुझे थोड़ी शक्ति दे दो ताकि मैं कुछ तो कर सकूं। ओके फ्रैंकलिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तभी तुम्हें वो शक्तियाँ मिलेगी। क्या ये वादा मैं कैसे कर सकता हूँ? कैसर ये वाला वादा तो आपको करना पड़ेगा, फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ मेरी बात सुनो, उन्हें कमेंट करना पड़ेगा सन गॉड ओपी, तभी ये सन गॉड तुम्हें शक्तियाँ देगा। कैसर आपने सुन लिया है, फटाफट से कमेंट कर दो सन गॉड ओपी, तभी ये सन गॉड मुझे खतरनाक शक्ति देगा। जल्दी कमेंट करो सन गॉड ओपी फटाफट से कमेंट करो SUNGOD सन गॉड ओपी। फ्रैंकलिन मुझे लगता है अभी तक लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, मैं तुम्हें शक्तियाँ दे रहा हूँ, पर अगर मैंने देखा लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और कमेंट नहीं किया तो तुम्हारी शक्तियाँ ऑटोमेटिकली चली जाएगी। अरे कैसर मेरे साथ कुछ तो हो रहा है, जल्दी से मैं खतरनाक सा स्पीकर मैन बन जाऊँ। तो कैसर अभी आप देख सकते हो मैं एक स्पीकर मैन बन चुका हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर सा स्पीकर मैन हूँ, पर कम से कम कुछ तो बना। तो कैसर लगता है आज से हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है एक खतरनाक
खतरनाक से स्पीकर मैन बनने के लिए उसके लिए हमें अपने पंच मीटर को फुल करना पड़ेगा। मतलब यार हमसे ज्यादा खतरनाक पंच कोई मार नहीं सकता ऐसा दुनिया में, ऐसा मतलब हमें इतना ज्यादा अपग्रेड होना पड़ेगा कि हमसे ज्यादा कोई अच्छा पंच पूरी दुनिया में कोई मार नहीं पाए। हमें सबसे खतरनाक पंच मास्टर बनना पड़ेगा, उसके लिए हमें बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो गाइस मैं अगर खतरनाक चैलेंजेस करके थोड़ा थोड़ा अपना पंच का पावर बढ़ाऊंगा तो मुझे बहुत ही सारे साल लग जाएंगे। उससे अच्छा मैंने सोचा क्यों ना टाइटन गॉड के लिए मेडिटेशन किया जाए। मैं यहाँ पे मैं आग और पानी के ऊपर यहाँ पर बैठा रहूंगा जब तक टाइटन गॉड मेरे सामने नहीं आ जाते और मुझे वो अपग्रेड नहीं कर देते, मेरी पंच पावर को नहीं बढ़ा देते। ये आग बहुत ही ज्यादा गर्म है, उसके नीचे पानी वो बहुत ही ज्यादा ठंडा है। तो इधर हम करने वाले मेडिटेशन सुबह शाम दिन रात, मैं हर टाइम सिर्फ करूंगा मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन। टाइटन गॉड मेरी मदद करो, टाइटन गॉड मेरी मदद करो। और लॉस सैंटोस से खतरनाक वेदर के कारण मुझे और भी बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। टाइटन गॉड हमें बचाने नहीं आ रहे थे, हमारी शक्तियों को बढ़ाने नहीं आ रहे थे, हमारे मेडिटेशन को रोकने के लिए जरूर आता। पर मैंने सोच लिया था जब तक टाइटन गॉड नहीं आएंगे तब तक मेरा मेडिटेशन नहीं रुकने वाला है। अगर आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी टाइटन गॉड आके हमें मदद करे, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो टाइटन गॉड आ जाओ, टाइटन गॉड आ जाओ। टाइम बीतता रहा, बहुत टाइम तक मैं मेडिटेशन करता रहा और सोचता रहा कि टाइटन गॉड अब आएंगे, टाइटन गॉड अब आएंगे, पर वो आए नहीं। पर एक दिन, ये क्या, ये तो टाइटन गॉड की आवाज है। फ्रैंकलिन तुमने बुलाया, मैं चला आया। टाइटन गॉड तुम आ गए, टाइटन गॉड तुम मेरे लिए आए हो ना। हाँ फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारी मेडिटेशन से बहुत ही खुश हुआ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, बोलो क्या चाहिए मेरे बच्चे। टाइटन गॉड मैं चाहता हूँ आप मेरी शक्तियाँ बढ़ाएं, मेरी पंच करने की शक्तियाँ बढ़ाएं ताकि मैं एक अच्छा स्पीकर मैन बन सकूं। बच्चे तुम एक स्पीकर मैन बनना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, मैं तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ाऊंगा और तुम्हें एक नया स्पीकर मैन का रूप भी दूंगा। टाइटन गॉड तुम तो बहुत ही अच्छे हो, प्लीज मेरी मदद करो। बच्चे मैं तुझे अपग्रेड तो कर दूंगा, बस मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो पूछो। अगर तुमने इसका सही आंसर दिया तो मैं तुम्हें एक अच्छे स्पीकर मैन में अपग्रेड करूंगा। हाँ बताओ बताओ। मुझे बताओ 3 9 जा क्या होता है। 3 9 जा रुको रुको मैं बताता हूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 4। अरे नहीं क्या होता है, अरे मुझे तो पता ही नहीं है। अरे गाइस सर एक काम करो, फटाफट से कमेंट करके बताओ, मुझे फटाफट से बताओ 3 9 जा क्या होता है। मुझे तो 3 की टेबल भी नहीं आती, 3 9 जा क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं है। 3 5 जा 98, 3 6 जा। अरे गाइस सर फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ फ्रैंकलिन, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ बता रहा हूँ 1 सेकेंड। अरे गाइस सर फटाफट से कमेंट करके बता दो कितनी नाइन चा क्या होता है, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, फटाफट से कमेंट करो। 1 सेकंड मिल गया 3 9 जा 21। बहुत अच्छे फ्रैंकलिन, मैंने सोचा नहीं था तुम इसका आंसर दे पाओगे, क्या तुमने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देखा है। अरे नहीं मैंने तो खुद बताया है। बहुत अच्छे फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें स्पीकर मैन में अपग्रेड करने वाला हूँ। ओह गाइस सर आप देख सकते हो मेरे मेडिटेशन सफल नया, मैंने जितनी मेहनत करी थी पूरी की पूरी सफल हो चुकी है क्योंकि मैं बन चुका हूँ खतरनाक स्पीकर मैन। और जो भी ये वीडियो देख रहा है फटाफट से फ्रैंकलिन को सपोर्ट करो, उसकी वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, वो बहुत ही अच्छा बच्चा है। थैंक यू टाइटन भाई, आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। आप देख सकते हो मैं बन चुका एक स्पीकर मैन और मेरे पास बहुत मस्त शक्तियां भी आ चुकी है, मैं कितना ज्यादा तेज अभी यहाँ पर भाग पा रहा हूँ और अभी मैं देखने वाला हूँ मेरी पंच की शक्तियां कितनी बड़ी। फटाफट इस गाड़ी पे अटैच कर दे ये ले। और गाइस अभी आप देख सकते हो इस गाड़ी को मैंने कितना ज्यादा दूर उड़ा दिया है, मेरा पंच मीटर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है पर अभी भी ये फुल नहीं हुआ है। अगर उस प्लेन को हमें हिलाना है तो इस पंच मीटर को फुल करना पड़ेगा, उसके लिए हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने सुना है तुम चारों बनना चाहते हो स्पीकर मैन। ये स्पीकर मैन जो कि मेरे पीछे खड़ा है ये दुनिया का सेकंड पावरफुल स्पीकर मैन है, और अगर आज का तुम चैलेंज पूरा करते हो तो तुम ये बन सकते हो और तुम्हारा पंच का मीटर फुल हो जाएगा। तुम चारों तैयार हो जाओ इस खतरनाक से चैलेंज के लिए। तो मैं तुमको बताता हूँ कि ये चैलेंज है क्या।
यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे गेम है और आज हम खेलने वाले हैं पंचिंग बैग वाला गेम। इस पंचिंग बैग पर जो भी सबसे ज्यादा तेज पंच मारेगा उसका स्कोर इस टीवी पर आएगा। जिसका सबसे ज्यादा स्कोर होगा वो बनेगा सबसे खतरनाक स्पीकर मैन और उसका पंच मीटर फुल हो जाएगा। तो क्या तुम तैयार हो पंच करने के लिए? तो आ जाओ। अंकल बच्चा न कहना, शिवा शिवा नाम है मेरा, शिवा सबसे पहले पंच मारेगा। इतना ज्यादा तेज पंच मारूंगा इस पंचिंग बैग को ही तोड़ दूंगा। येले! तो देखते हैं शिवा का पंच कितना ऊपर जाने वाला है। और ये क्या, शिवा ने मारा 102 पंच। मुझे लगता है मेरे से तेज कोई पंच मार नहीं सकता। तुमको जो लगता है गलत लगता है, क्योंकि भीम की शक्ति धूम मचाने वाली है। मैं लड्डू खा के आया हूँ। टुनटुन मौसी जिंदाबाद। येले! और हमारे भीम का स्कोर जाता जा रहा है 1500 तक। भीम की चट्टी ने धूम मचा दिया। चुटकी आई लव यू, मैं जीत गया। मैं कुछ ज्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं सिर्फ करके दिखाता हूँ। अभी करके दिखाता हूँ, इस पंचिंग बैग को मैं तोड़ दूंगा। 1 2 3। और ये कीको का स्कोर जा चुका है 5000 तक। मैंने तो बोला ही था मैं बोलता नहीं हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। अब आखिरी बारी फ्रैंकलिन स्पीकर मैन की। चलो कैसर, अभी सबका स्कोर आ चुका है। हाईएस्ट स्कोर है कीको का 5000 और मुझे इससे ऊपर जाना पड़ेगा। मुझे बहुत ही ज्यादा शक्ति की जरूरत है। उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो फ्रैंकलिन ओपी, जिससे मुझे मिलेगी बहुत ही खतरनाक शक्ति और मैं बहुत ही ज्यादा तेज इस पे पंच मारने वाला हूँ। फटाफट से पंच मारते हैं। 3 2 1 येले! और हमारा स्कोर फुल स्पीड में बढ़ता जा रहा है। और गाइसर ये क्या, 7000 8000 9000। और गाइसर हमने कीको को क्रॉस कर लिया है। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, ये सूट तुम्हारा हुआ और तुम्हारा पंच मीटर भी फुल हो गया है। तो गाइसर आप देख सकते हो हमारा पंच मीटर हो चुका है बिल्कुल फुल और अब बारी आ चुकी है हमारे खतरनाक से स्पीकर मैन बनने की। हम एक स्पीकर मैन तो बन चुके बहुत ही बड़े वाले, पर ये सेकंड स्ट्रॉन्ग स्पीकर मैन है और हमें बनने वाला है पहले नंबर का खतरनाक स्पीकर मैन। चलो फटाफट चलते हैं उस खतरनाक से प्लेन को मारेंगे बड़ा सा पंच और बनेंगे खतरनाक सा स्पीकर मैन। फ्रैंकलिन आखिरकार तुम आ गए, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर इस बार तुम नहीं कर पाए तो तुम्हें जिंदगी में कभी ये मौका वापस नहीं मिलने वाला है। कालू हल्क तुम टेंशन मत लो, इस बार मैं पूरा तैयार हो गया हूँ। इस बार मैं फेल नहीं होने वाला, प्लेन तक जाऊंगा उसको भी फेंक के दिखाऊंगा। चलो फिर शुरू करते हैं। चलो गाइस फटाफट से शुरू करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर, सारी गाड़ियों को हटाते पहले तो इस बोर्ड को पकड़ेंगे और इधर से फेंकेंगे। निकल जाए यहाँ से, अब इस प्लेन की बारी। रुको रुको, उससे पहले ट्रेन को पकड़ते हैं। ट्रेन कहाँ जा रही है? इधर आ ट्रेन। तो गाइसर हमने ट्रेन को पलटा दिया पूरा, ये निकल यहाँ से। तो गाइसर पूरी ट्रेन ही तोड़ दी हमने। तो हमारी शक्ति तो बहुत ही खतरनाक पावर आ चुकी है और अब तो हमारी बारी आ चुकी है इस प्लेन को उठाने की। इस प्लेन को उठाते ही हिलाते ही हमें मिलने वाली है सबसे खतरनाक स्पीकर मैन की पावर और हम बन जाएंगे सबसे खतरनाक स्पीकर मैन। तो क्या हम इसको हिला पाएंगे? जरूर हिला पाएंगे, क्योंकि आप मेरे साथ हो। फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ये 3 2 1। और ये क्या, मैंने सोचा सिर्फ प्लेन हिलाना है पर यहाँ पे तो हमने पूरा का पूरा प्लेन ही उठा लिया है। ये देखो कालू हल्क, हमें पूरा का पूरा प्लेन ही उठा लिया। ये लो, ये तो बहुत खतरनाक है। बहुत अच्छे फ्रैंकलिन, मुझे तुम पर गर्व है। हम तुमको बनाने वाले हैं दुनिया का सबसे खतरनाक स्पीकर मैन, टाइटन स्पीकर मैन। दुनिया की सबसे खतरनाक शक्तियाँ पावर सब तुम्हारे पास है फ्रैंकलिन। तो गाइसर यहाँ पर अपग्रेड होने वाले हैं सबसे खतरनाक स्पीकर मैन में, देखते हैं हम क्या बनने वाले हैं। तो गाइसर फाइनली हम बन चुके हैं दुनिया के सबसे खतरनाक स्पीकर मैन और मौसम देखो कैसा हो चुका मेरे स्पीकर मैन बनने के बाद। फ्रैंकलिन अब सारी धरती की ड्यूटी तुम्हारे पास आ चुकी है, पूरी धरती, लॉस सेंटोस, इंडिया, दुबई, सबको तुम्हें ही बचाना है। आप टेंशन मत लो टाइटन, अब तो सबको मैं ही बचाऊंगा क्योंकि मैं बन चुका हूँ दुनिया का सबसे खतरनाक स्पीकर मैन। तो कैसे फटाफट से कमेंट करके बताओ कैसा लगा हमारा खतरनाक सा स्पीकर मैन। और आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो और कैसा इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां जाकर जाना फॉलो करना। और कैसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।